और यहाँ पे हम लोग को परमानेंट बंद करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस कैंसिल ऑटो पे में हम लोग फिर से क्लिक करेंगे। आप देखते हैं ऑटो पे कैंसिल हो चुका है और उसके बाद से यहाँ पे पैसा कटना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप लोग का भी गूगल पे में ऑटो डेबिट चालू हो चुका है, यानी ऑटो पे चालू हो चुका है और आपके खाते से हर महीना पैसा कटते जाता है, ऑटोमेटिक पैसा कट जाता है, तो किस तरह से आप लोग गूगल पे में अपना ऑटो पे को बंद कर सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आप लोग परमानेंट बंद कर सकते हैं ताकि आपके खाते से पैसा जितना कट गया है उसके बाद और ना कटे, किस तरह से आप लोग परमानेंट बंद कर सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए गूगल पे का जो एप्लीकेशन होता है उसको आपको ओपन करना। चलिए हम लोग यहां पे गूगल पे का एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, और जैसे हम लोग यहां पे गूगल पे का एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहां पे आ जाएगा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आपको कोना में प्रोफाइल फोटो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोफाइल फोटो में आपको क्लिक कर देना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑटो पे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी ऑटो पे में आपको क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग ऑटो पे में क्लिक करते हैं, और जैसे हम लोग यहाँ पे ऑटो पे में क्लिक किए, यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पे लिखा आ रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे काफी कुछ है, यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा, और जितना भी आपका ऑटो पे यहाँ पे चालू रहेगा यहाँ पे आपको सारा शो हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एक ही है तो यहाँ पे एक शो हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं पेंडिंग है, और यहाँ पे कंप्लीटेड भी यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखा रहा है, लाइव में यहाँ पे जितना भी रहेगा वो आपका यहाँ पे चालू रहेगा। तो यहाँ पे आपको हमको बंद करना है, तो इस ऑटो पे को हम लोग किस तरह से बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए यहाँ पे हमको इसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और 1197 रुपया हर महीने कटता है यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं चार बार कट चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार पेमेंट हो चुका है, और यहाँ पे डेट भी दिखाया, टाइम भी दिखाया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चार पेमेंट हो चुका है। तो इस ऑटो पे को हमको अभी बंद करना है, परमानेंट बंद करना है। तो किस तरह हम लोग परमानेंट बंद करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कैंसल ऑटो पे का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसी कैंसल ऑटो पे में क्लिक करना होगा, और यहाँ पे हम लोग को परमानेंट बंद करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस कैंसल ऑटो पे में हम लोग फिर से क्लिक करेंगे, और जैसे हम लोग यहाँ पे यस कैंसल ऑटो पे में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे घूमेगा, इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल का लॉक है, मोबाइल का लॉक नहीं, जो आपका यूपीआई पिन है, जो भी आपका खाता है उसका जो यूपीआई पिन है, वो यूपीआई पिन यहाँ पे आपको डालना होगा, और जैसे आप लोग यहाँ पे यूपीआई पिन डालिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिलिंग ऑटो पे हो जाएगा और आपका ऑटो पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग कैंसिल कर सकते हैं। जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो पे कैंसिल हो चुका है, और उसके बाद से यहाँ पे पैसा कटना बंद हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप लोग कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।